हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉन्टेक्ट सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस नए वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इतिहास क्या है। तीसरा टॉपिक है वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कितने वर्जन है। चौथा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर लिस्ट अंडर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दुनिया का सबसे पॉपुलर सूट्स है, जिसका मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक ऐसा सेट जिसमें हम कई सारे प्रोग्राम को एक जगह पे रखते हैं, जिससे एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकते हैं। इसके टूल्स लगभग एक समान होते हैं, इसीलिए इन्हें सूट कहा जाता है। एमएस सूट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम आने वाले सभी प्रोग्राम को एक सेट बनाया गया है, जिससे आपका ऑफिस का वर्क और भी आसान हो जाता है। ऑफिस में कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे लेटर बनाना, हैंडबिल बनाना, रिज्यूमे बनाना, स्प्रेडशीट तैयार करना, डाटाबेस बनाना, स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना, फीस रिकॉर्ड बनाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ईमेल्स भेजना, डाटाबेस मैनेजमेंट करना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी काम्स होते हैं ऑफिस रिलेटेड, वो सारे के सारे काम हम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम हम बहुत ही आसानी से इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कर सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इतिहास क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो इतिहास है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स द्वारा सन 1990 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था, जबकि इससे पहले एक वर्ष पूर्व माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पहली बार 1989 में कंपनी द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया था। यानी 1990 से पहले एक साल, जो 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च कर दिया गया था, उसके एक साल बाद फिर 1990 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया। कंपनी द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू किया गया था। एमएस ऑफिस को आज से 30 वर्ष पहले 19 नवंबर 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के मालिक बिल गेट्स के द्वारा अमेरिका के लॉस वेगास शहर में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला वर्जन था वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 है के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर में लगातार नए नए अपडेट्स आते गए और अभी भी इसके नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, और समय समय पर इसके नए वर्जन भी कंपनी लाती रहती है। और नए वर्जन के में फीचर के साथ साथ कंपोनेंट की संख्या में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, जिस कारण इस पैकेज में नए नए कंपोनेंट और प्रोग्राम को जोड़ा गया है। विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के निम्नलिखित वर्जन रिलीज किए गए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्जन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कंपोनेंट्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। ऐसे बहुत सारे पैकेज जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पढ़ते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या होता है, पावर पॉइंट में क्या होता है, एक्सेस में क्या कर सकते हैं, आउटलुक में क्या कर सकते हैं, वन नोट में क्या कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। इनके साथ वन वन वीडियो हम आपके सामने शेयर करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कितने वर्जन है। तो आपको इस चार्ट के थ्रू से समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कितने वर्जन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे वर्जन है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने 1.0 वाले वर्जन से लेके अब तक का इतना ज्यादा वर्जन अपडेट कर रखा है। जो अब तक का हाल ही में सबसे नया अपडेट वर्जन है वो 2019 है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने उसको हाल ही में रिलीज किया है। तो उसमें जो इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा है और उस पर काम करना भी बहुत आसान है, जिसमें हम उसके इंटरफेस के अकॉर्डिंग बहुत ही इजीली उसको चला सकते हैं और बहुत ही आसानी से उस पर काम कर सकते हैं।
और उसमें कई सारे नए फीचर्स भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऐड कर रखे हैं, जिसपे और भी ज़्यादा हमारा काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बॉक्स पे जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही सीखते रहें। धन्यवाद।